जिस तरह से डॉलर के अपेक्षा लगातार रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर जो है आसमान पहुंचा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का वो बयान लोगों को याद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करेंगे कि आज उनका प्रतिष्ठा गिर रहा है कि भारत का रुपया गिर रहा है। वो किस मुंह से 8 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे कि मेरा रुपया कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया, और आज की स्थिति देख लीजिए क्या है। आज 80 क्रॉस कर गया और किसी को भी कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का चिंता ना होते भर में अन्य चीजों में सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता है, सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करने की चिंता है, और केंद्र सरकार का कोई काम नहीं रह गया है। पहले तो RBI ने साफ कह दिया था, अब वर्ल्ड बैंक ने भी साफ कह दिया कि जो भारत का GDP जो हम लोगों ने अनुमान किया था कि 7.5% रहेगा, वो नहीं रहा, अब वो 6.5% ही रह जाएगा। अब सोचिए कि केंद्र का माने भारत का अर्थव्यवस्था कहाँ है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने जितने भी दावे किए, जितने भी उन्होंने बोला, उस सब खोखले निकला। गलत नोटबंदी, गलत तरीके से GST लागू कर देना, जिसके कारण आज देश आर्थिक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। कई कई व्यापारी है जो आत्महत्या पर उतारू हो चुके हैं, कई व्यापारी दिवालिया घोषित हो चुके हैं। तो ये हालात हो गया, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, महंगाई चरम पर है। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेलुअर है, और केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वह 10 तरह के हथकंडे अपना रही है। आज हम यहाँ पर परवलपुर प्रखंड में आए थे, शंकर डी गांव में, जहाँ ग्रामीणों द्वारा आयोजित था ये कीर्तन कीर्तन समारोह, अखंड कीर्तन समारोह। इसमें हम सब पार्टी साथियों के साथ भाग लिए, और साथ में ग्राम वासियों सब, शंकर डी गांव वासियों समेत पूरे प्रदेश वासियों को हमने खुशहाली की कामना की। और हम चाहते हैं कि सारे युवाओं जागिए और देखिए कि केंद्र सरकार ने 8 साल पहले क्या कहा था और आज क्या कह रही है।